अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। एज टुडे इज 7 जुलाई 2020 एंड टुडे डे इज ट्यूसडे। इट्स योर साइंस लेक्चर। एज यू नो दैट नॉट इज यू आर डूइंग द चैप्टर नंबर 11 हुज नेम इज इन्वेस्टिगेटिंग साउंड। टुडे वी हैव टू डन द पेज नंबर 116। वी विल डन इट्स मीनिंग्स एज वेल एज इट्स टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। फॉर दिस पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर शार्पनर पेंसिल एंड आल्सो टेक आउट द पेज नंबर 116 ऑफ योर साइंस बुक। पेज नंबर 116 में हमारे पास आज का जो टॉपिक है जो कि हमने रीड आउट करना है, दैट वन इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटेरियल्स, मुख्तलिफ मादों में आवाज़ की रफ्तार। मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्क्राइब आउट किया था कि आवाज़ को, साउंड को ट्रैवल करने के लिए डिफरेंट मीडियम्स की ज़रूरत होती है, डिफरेंट वास्तों की ज़रूरत होती है। वो मीडियम हमारे पास एयर भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी, गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों फॉर्म में हमारे पास मीडियम हो सकते हैं। हमने जो है गैस की फॉर्म में एयर को हमने डिस्कस किया था, सॉलिड की फॉर्म में हमने मैटर को डिस्कस किया था और लिक्विड की फॉर्म में हमने वाटर को डिस्कस किया था। ये तीनों जो मीडियम्स जो हैं वो स्पीड को, साउंड की स्पीड में जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं, उसको प्रोपेगेट करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। तो अब हम आज के टॉपिक में ये देखेंगे कि हमारे पास साउंड में जो है डिफरेंट जो मीडियम्स होते हैं उसमें साउंड की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम्स में जो साउंड की जो स्पीड है उसकी जो प्रोपेगेशन की प्रोपेगेशन है वो इक्वली हो रही है, इक्वली स्पीड में हो रही है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमें पता है कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस में हमारे पास जो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस आता है उसकी जो क्लोजनेस होती है वो डिफरेंट होती है। एज़ यू नो मैं प्रीवियस टॉपिक्स में आप जो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास जो गैशियस स्टेट में जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा उसके बरक्स हमारे पास लिक्विड होते हैं उसमें ज़रा कम होता है, लेकिन जो सॉलिड होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसके दरमियान जो डिस्टेंस है तकरीबन नेगलिजिबल होता है। यानी कि वो अपनी जो मूवमेंट है वो उनकी बहुत ज़्यादा वंडरवाल फोर्स, इंटरफोर्स, जो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जो होती हैं उनके दरमियान, सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्योंकि उनकी हमारे पास जो आवाज़ जो है प्रोपेगेट कर रही है बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशन पे। तो इस वजह से मैंने इन पार्टिकल्स के डिस्टेंस का तذکرہ किया है इन तीनों मीडियम्स के, सॉलिड, लिक्विड और गैस के। क्योंकि जैसे ही जो ये पार्टिकल जिस स्पीड से ये आपस में वाइब्रेट करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा जो है रफ्तार से आवाज़ जो है वो प्रोपेगेट होगी। तो अब इस टॉपिक में हम ये देखते हैं कि किस मीडियम में जो आवाज़ जो है वो ज़्यादा प्रोपेगेट होती है, ज़्यादा स्प्रेड आउट होती है, स्पीडली जाती है साउंड की वेव्स। So let's start our today's lecture. It's a topic, we know that sound travels by passing on its vibration on to the particles of some medium. हमें मालूम है कि ये जो आवाज़ जो है वो किस तरह ट्रैवल करती है, बाई पासिंग इट्स वाइब्रेशन। जब इसकी वाइब्रेशन जो है वो पास आउट होती हैं टू द पार्टिकल्स ऑफ सम मीडियम, किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स की तरफ। ओबियसली जब किसी मीडियम के पार्टिकल्स जो है आपस में वाइब्रेट करेंगे तभी आवाज़ जाके प्रोपेगेट होगी, ट्रैवल करेगी। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन वट काइंड ऑफ मैटर इट इज़ ट्रैवलिंग थ्रू। ट्रैवलिंग का मीनिंग देखेंगे सफ़र करना, कि उस साउंड की जो स्पीड जो है वो टोटली डिपेंड कर रही होती है कि वो किस मीडियम में से गुजर रही है, क्या वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या वो गैस है। एयर इज़ मेड ऑफ गैसेस, वी आल्सो नो दैट। हम एयर का चैप्टर जो है बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और एयर सिर्फ उसमें जस्ट वन एयर नहीं होती बल्कि हमारे पास मिक्सचर है बहुत डिफरेंट गैसेज का। ये इट इज़ मेड ऑफ गैसेज। ओबियसली द पार्टिकल्स इन गैसेज आर फर्दर अपार्ट दैन इन लिक्विड एंड सॉलिड। कि इसमें हमें ये भी मालूम है कि हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्दर अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, क्लोज नहीं होते। किसकी नस्बत? लिक्विड एंड सॉलिड की नस्बत। इट टेक्स लॉन्गर फॉर वन गैस पार्टिकल टू हिट अनदर एंड मूव द साउंड एनर्जी अलॉन्ग। यहाँ पे क्या होता है कि इट टेक्स लॉन्गर, यहाँ पे क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं उन्हें एक दूसरे को हिट करने के लिए ज़ाहरी बात है एक दूसरे से दूर होते हैं। तो क्या कहते हैं, टेक्स लॉन्गर फॉर वन गैस पार्टिकल टू हिट अनदर, कि इस गैस पार्टिकल को दूसरे गैस पार्टिकल्स को हिट करने के लिए क्या होता है, कुछ टाइम चाहिए होता है क्योंकि वो एक दूसरे से दूर होते हैं। मूव द साउंड एनर्जी अलॉन्ग, ताकि जो साउंड एनर्जी है वो मूव कर सके, ट्रैवल कर सके। जाहिर बात है जब आपस में पार्टिकल्स एक दूसरे से हिट करेंगे, एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे तभी जो वाइब्रेटिंग पार्ट, तभी साउंड की जो वेव्स हैं वो आगे ट्रैवल कर पाएंगी। पार्टिकल्स इन लिक्विड, अब यहाँ पे क्या है, लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल इन लिक्विड आर क्लोजर टुगेदर, जबकि सॉलिड की, सॉरी गैशियस स्टेट की नस्बत लिक्विड में जो होते हैं पार्टिकल्स वो क्लोज होते हैं। वाटर इज़ अ लिक्विड, मैंने आपको बताया था कि हम लिक्विड में वाटर को भी एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। हमारे पास मीडियम जो होगा वो वाटर होगा, ओबियसली वाटर इज़ आल्सो अ लिक्विड स्टेट। साउंड ट्रैवल्स मोर क्विकली इन वाटर दैन इट डज़ इन एयर, के जो आवाज़ की जो रफ्तार है
वो लिक्विड में ज़्यादा होती है बनिस्बत एयर के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सॉलिड में क्या होता है। पार्टिकल इन सॉलिड आर वेरी क्लोजर देन इन लिक्विड्स। कि क्या होता है कि जो पार्टिकल सॉलिड्स में होते हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जो होती है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस जो होता है वो बहुत 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 निग्लिजिबल होता है, यानी कि हम उसको निग्लेक्ट आउट कर सकते हैं। बहुत क्लोजर पार्टिकल्स होते हैं। ऑब्वियसली जब वाइब्रेटिंग पार्टिकल जब वाइब्रेट करेंगे तो जब एक पार्टिकल दूसरे को हिट अपॉन करेगा, क्योंकि उन के दरमियान जो डिस्टेंस है बहुत कम है, डिस्टेंस के बहुत कम होने की वजह से वो जल्दी से पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट आउट करेंगे। जैसे जब हिट आउट करेंगे तो जो साउंड वेव्स जो हैं वो जल्दी जल्दी ट्रैवल करेंगी। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग मीडियम, जो फास्ट ट्रैवलिंग मीडियम है वो कौन सा होगा? ऑब्वियसली सॉलिड ही होगा, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। सो ऑब्वियसली साउंड ट्रैवल्स द क्विकेस्ट इन सॉलिड्स। तो यही वजह है कि साउंड जो है वो ट्रैवल करती है क्विकेस्ट, बहुत ही जल्दी सॉलिड में। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट इसकी स्पीड भी बता दी गई है मीटर पर सेकंड में, कि डिफरेंट मीडियम्स की, इसमें हमारे पास गैस, लिक्विड और सॉलिड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल में, ये आपके पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के तौर पर इसको आप हाईलाइट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एयर में भी स्पीड ऑफ साउंड पूछी जा सकती है, आपसे वाटर में भी पूछी जा सकती है, और आपसे सॉलिड में भी पूछी जा सकती है। सॉलिड में हमारे पास बेसिकली मेटल बताया था, स्टील भी हमारे पास मेटल ही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज़, आपको आगे फर्दर ऑप्शन दिए जा सकते हैं, आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गैस में, यानी कि एयर में, जब हमारे पास मीडियम अगर गैस या एयर हो तो उस वक्त हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी? वो हमारे पास होगी 350 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो एक सेकेंड में 350 मीटर ट्रैवल कर सकती है साउंड, जब हमारे पास मीडियम जब हो गैस। अगर हमारे पास मीडियम लिक्विड हो यानी वाटर हो तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा? हमारे पास साउंड की स्पीड क्या होगी? 1500 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी कि एक सेकेंड में 1500 मीटर जो है वो ट्रैवल कर सकेगी। लेकिन जब हमारे पास सॉलिड मीडियम हो, यानी कि स्टील हो या कोई भी दूसरी मेटल हो, आयरन हो, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो साउंड की जो स्पीड है वो हमारे पास 6000 मीटर पर सेकेंड है। मीन्स उसे सॉलिड मीडियम में साउंड जो है वो एक सेकंड में 6000 मीटर जो है वो ट्रैवल कर सकती है। सो होप्स स्टूडेंट्स, यह था हमारा आज का लेक्चर, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आप आज की डेट पुट करेंगे इस पेज के एंड में, एज टुडे इज 7 जुलाई 2020, और लर्न द CW लिखना नहीं भूलना आपने। सो हैव अ नाइस टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।